हेलो दोस्तों, इन्वॉल्व ब्लॉग की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग न्यू ब्लॉग में आए हैं मदर वैक्स म्यूजियम, जो यहाँ पे बहुत से सेलिब्रिटीज का स्टैचू बनाया गया है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कॉस्ट पड़ रहा है, क्या अंदर में है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है मदर वैक्स म्यूजियम की ओर। लिफ्ट से निकलते ही हमें सामने नज़र आता है टिकट काउंटर। इनसे वहाँ से टिकट ले लेते हैं। एक टिकट की कॉस्ट है 250 रुपये। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके, सोके। सबसे पहले प्रतिमा जिनकी नज़र आती, वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। जब पूरी दुनिया उन्हें जानती है, तो हम भारतीय उन्हें क्यों नहीं जानेंगे। आप हमारे राष्ट्रपिता हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोग प्यार से बापूजी भी कहते हैं। बापूजी से मिलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें नज़र आते हैं माँ काली के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस। ये हुए गांधी जी के मार्गदर्शक अरविंद। बापू जी इनसे सलाह मशवरा लिया करते थे। और ये रहे स्वामी विवेकानंद जी, ऐतिहासिक लेक्चर। शिकागो में भारत दर्शन के लेक्चर के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमें नज़र आती हैं मदर ट्रेजा, और ठीक उनके बगल में है सिस्टर निवेदिता। और ये रही माँ शारदा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे रूम की ओर। जो तुमर डाक शूने क्यों ना ऐसे तो बे एकला चलो रे। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये है रविंद्रनाथ टैगोर, नोबल पुरस्कार विजेता, अपने कविता गीतांजलि के लिए मशहूर, और राष्ट्रगीत जनगण मंगलदायक इन्होंने ही लिखा है। हम बैठकर कुछ सेल्फी खिंचाएं, फ़ोटो लिए, बैठने का इंतज़ाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनसे मिलते हैं। ये है काजी नजरुल इस्लाम, प्रसिद्ध बंगला कवि। बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिताजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ये रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है। द मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते और मिलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, जिनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे बढ़ते और पहुंच जाते हैं हम साइंस गैलरी में, जहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद हैं। मैं सबका नाम बताने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं आइंस्टाइन से। इन्हें तो सब जानते ही हैं, और हमने इनसे कुछ लेक्चर सीखा और उसे एक्सप्लेन किया बोर्ड पर। देखिए हमारी एक्सप्लेनेशन। साइंस सेक्शन को एंजॉय करने के बाद अब बारी है क्रिकेट सेक्शन की, स्पोर्ट गैलरी। और हमारे सामने जो स्टैचू है, ये है कपिल देव जी का स्टैचू। और ठीक इनके बगल में है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी। गौर से देखिए, समझ में आया नहीं समझ में आया, इसके लिए तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। ये है सौरभ गांगुली जी दादा। और इनके बगल में जो है, आई थिंक मुझे उनका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके फेवरेट हैं विराट कोहली।
क्रिकेट सेक्शन के बाद हमें नजर आता है फुटबॉल गैलरी। फुटबॉल गैलरी में सबसे पहले जिनकी मूर्ति लगी हुई है वो है मैराडोना, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, बहुत ही मशहूर खिलाड़ी। और उसके बाद है मेसी जी, ये भी अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। और इनके बगल में है ब्राज़ील के मशहूर प्लेयर पेले, द स्टार, फुटबॉल स्टार पेले। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली गैलरी में क्या है। अगली गैलरी में है प्लेबैक सिंगरों की गैलरी। जो पहली मूर्ति हमें नजर आई ये है हिंदी सिनेमा के महान प्लेबैक सिंगर और शास्त्रीय संगीत के महारथी मन्ना दे। ये हैं हेमंत कुमार, प्रसिद्ध बंगला और हिंदी संगीत के गायक। चलिए आगे बढ़ते, इनके ठीक बगल में मौजूद है लता जी और किशोर कुमार जी की मूर्ति। इस गैलरी के बाद हमारी नजर जाती है मिथुन जी के ऊपर और इन जीन को देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और सीधा दौड़ते हुए स्टेज पे चढ़ जाते हैं और खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते। डिस्को डांसर जी हैं, नाचना तो बनता है भाई। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बच्चन साहब से मिलने के बाद हमारे अंदर का भी कलाकार जाग उठा और हम लोगों ने लगाया जोरदार ठुमका। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।